हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की गरिमामय मौजूदगी रही। इस दौरान हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की LLB की टॉपर छात्रा मुस्कान अली को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विश्वदेव साय की गरिमामय मौजूदगी में सम्पन्न हुआ। इस दौरान BIT दुर्ग के सभागार में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में 68 विद्यार्थियों को शोध उपाधि एवं 48 विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं में प्रावीण्य सूची में प्रथम आने पर स्वर्ण मंडित पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव एवं ऋकेश सेन, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास दिल्ली के सचिव शिक्षाविद डॉक्टर अतुल कोठारी, संभाग आयुक्त SN राठौर, IG RG गर्ग, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, SP जितेंद्र शुक्ला, कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा, कुल सचिव उपेंद्र कुलदीप, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे। इससे पूर्व दीक्षांत शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक गण, कुलपति एवं कुल सचिव और सम्मानित विद्यार्थी शामिल हुए। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। युवा क्षेत्र में निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मेरा मानना है कि इस प्रकार दीक्षांत समारोह की सार्थकता तभी है। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के दूसरे दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनने के लिए आप सभी के बीच आना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। PhD प्राप्त करने वाले सभी शोधार्थियों और अपनी अपनी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। मैं उन शिक्षकों, माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान अपने बच्चों का समर्थन किया। PM-SRI योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के 52 स्कूल दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार की आप। इसी कड़ी में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वितीय दीक्षांत समारोह में LLB की टॉपर छात्रा मुस्कान अली को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। इस स्वर्ण पदक के दानदाता डॉक्टर उदय प्रेरणा धावड़े दंपति हैं। कानून की छात्रा को देश के प्रथम कानून मंत्री तथा संविधान निर्माता के नाम से गोल्ड मेडल मिलने से छात्रा और समस्त शिक्षा बिरादरी में हर्ष और गर्व का वातावरण रहा। इस संबंध में पदक प्रदान कर अपनी खुशी जाहिर करते डॉक्टर उदय प्रेरणा धाबड़े मुस्कान अली ने प्रतिक्रिया दी। ये उपलब्धि मुस्कान को मिली है। कानून के क्षेत्र में टॉपर विद्यार्थी रही है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी की, और उसे कानून के प्रथम मंत्री भारत के और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का गोल्ड मेडल मिला है। तो कानून के ज्ञाता का नाम से गोल्ड मेडल कानून के टॉपर को मिलना, ये एक अपने आप में बहुत उपलब्धि होती है। और शिक्षा एक स्वाभाविक है सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, और अगर कानून की शिक्षा मिले तो वो व्यक्ति देश के लिए, समाज के लिए बहुत जागरूक होता है और अच्छे कार्य करता है। अच्छा लग रहा है मेरे को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोल्ड मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मैं दानदाताओं का आभार प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम में पहुंचे पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी रतन डांगी ने भी जानकारी दी। आप जो विषय जो है पॉलिटिकल साइंस में जो विषय है वो है नक्सली उन्मूलन में सहायक आरक्षकों की भूमिका, जो कि इस प्रदेश की के साथ साथ पूरे देश की भी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस विषय को मैंने चुना है, और उस विषय को इसलिए चुना है कि हम इस प्रदेश में, इस देश में किस तरह से इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं, और इस ख़त्म करने के पीछे जो हमारा सहायक आरक्षक है, जो बस्तर का यूथ है जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो पूरे देश के सामने आना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, वो लोग कितना मेहनत करके जो है हम 2005 में किस स्थिति में थे और आज 2024 में किस स्थिति में है, उसको मैंने दिखाया है। और उसमें स्पेशली कि सहायक आरक्षक के आने के बाद, भर्ती करने के बाद किस तरह से ऑपरेशंस में गति आई थी, किस तरह से विकास में जो है गति आई है, किस तरह के उस एरियाज के फिजा बदली है, मतलब जो सहायक आरक्षक बने उनका अपना एक आर्थिक स्थिति तो सुधरा ही है, साथ ही उस एरियाज में जो नक्सलियों का जो भर्ती हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि पूरा यूथ हमारी तरफ आ गया था और उन्होंने हमें जो नक्सल्स ने के विरुद्ध जो अभियानों में पुलिस को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आँख और कान के रूप में उन्होंने काम किया था,
और उसी को मैंने सोचा। तो कितना चैलेंजिंग था, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। नो डाउट रिसर्च के लिए वो चुनौती होती है, लेकिन चूंकि जिस एरियाज में पहले मैं काम कर चुका हूँ कुछ चीज़ें मेरे पास में थी, और एक आम आदमी के लिए उस एरियाज में विजिट करना काफ़ी टफ होता है, लेकिन चूंकि जो मैं जो पुलिस ऑफिसर एरियाज में काम किया तो वो कोई विशेष चुनौती नहीं थी। लेकिन यह है कि लंबे समय तक जब आप एजुकेशन से हट करके इस तरह के शोध करते हैं तो, और आपका ड्यूटी भी है उसको भी, दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि आप ठान लें तो खुशी खुशी। नहीं, देखिए नक्सल के आप 2005 का स्थिति देखिए और 2024 का स्थिति देखिए, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब 2005 में आप देखे होंगे कि कितनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, कितना 2010, मतलब मेरा दो है कि 2001 से 2011 जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे 2010 में ताटमेटला में घटना 76 घटना हुई, 2007 में जो मुर्की नार में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद में बहुत कमी आई है। और चूँकि ये समस्या केवल अपनी नहीं समस्या, जो छत्तीसगढ़ बस्तर आप उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो हम उड़ीसा से घिरे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, और हम ऐसी मतलब एक तरह से नक्सलियों के जबड़े में है, तो उस एरियाज में काम करने में और गति देने में समय लगता है। लेकिन चूंकि इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं करते, क्योंकि यदि आप किसी ऑपरेशन में जल्दबाजी करते तो आप अपना नुकसान उठा सकते हैं, इसलिए ये जो थोड़ा बहुत जो समय लगा उसी में लगा है। अदरवाइज़ तो आप जब बस्तर में जा कर देखेंगे को तो वहाँ की जो विकास देखेंगे आप, जैसे अभी इंद्रावती नदी में जो ताला घोड़ा के पास में और भोपालपट्टनम तिमेड़ के पास में जो पुल बना है, नागपुर से विशाखापट्टनम सीधा जुड़ गया है, तो ये मतलब आप देखेंगे तो आप खुद ही आपका जो क्वेश्चन उसका आंसर करते हैं। सर 87 में जो स्टार्ट हुआ था तो वो केवल जो आप बता रहे हैं जल जंगल जमीन के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जमीन से हट करके सत्ता प्राप्ति की तरफ, उनको पावर चाहिए, पावर स्नेच करना चाह रहे थे, और साथ ही जो आइडियोलॉजी की जो थी वो ख़त्म हो गई और एक्सट्रोशन बढ़ गया। कह सकते हैं कि वेल्थ ड्रेन जो है, हम देखेंगे बहुत सारे मामलों में हम जब नक्सल्स को पकड़े थे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पैसा ले जाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो ये तो अब समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। और लेकिन जो नक्सलवाद जिन लोगों के लिए लड़ा जा रहा था या स्टार्ट हुआ था, आज वही मतलब उन्हीं लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। आप देखिए ट्राइबल की बात कर रहे थे, आज ट्राइबल लोग मर्डर कर रहे हैं, ट्राइबल जो लोग हैं उस एरियाज में आईडी से ब्लास्ट हो रहे हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मर के नाम से आप कंगारू कोट लगा के उसके मार रहे हैं, तो ये तो दिख ही रहा है कि क्या मकसद है। सीएन न्यूज के लिए दुर्ग सेना से फारूकी की रिपोर्ट।